नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। कुंडली में क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि ये बताते हैं कि मेरे को प्रॉपर्टी का सुख है कि नहीं है? क्या मेरी कुंडली में एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं? क्या ऐसे भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगी कि प्रॉपर्टी को लेके कुंडली क्या क्या बता सकती है। चौथा घर फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी को। सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है लोन्स को। आजकल मोस्टली लोग जो है प्रॉपर्टी लोन्स लेके ही लेते हैं, तो क्या मैं लोन लेके प्रॉपर्टी लूंगा, या मैं लोन अगर लेता हूं तो क्या मैं उसको रीपे कर पाऊंगा, ये सिक्स्थ हाउस बताएगा। एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है इनहेरिटेंस को, कि क्या मुझे विरासत में प्रॉपर्टी मिलेगी, क्या मेरी किस्मत में विरासत है भी, सो इसके लिए हम एट्थ हाउस देखते हैं। फिर आता है इलेवेंथ हाउस, ग्यारहवां घर। इलेवेंथ हाउस जो है वो हाउस है गेन्स का, लाभ का, कि मुझे किसी भी चीज का लाभ हो वो इलेवेंथ हाउस से पता चलता है। तो चौथे घर का कनेक्शन यदि छठे घर से हो रहा है तो आप प्रॉपर्टी जो है वो लोन लेके लेंगे। चौथे घर का कनेक्शन यदि 11th हाउस से 11वें घर से हो रहा है तो प्रॉपर्टी का गेन है। चौथे घर का कनेक्शन यदि 8th हाउस से हो रहा है तो आपको इनहेरिटेंस में यानी कि विरासत में प्रॉपर्टी मिलेगी। मंगल जो है वो कारक है भूमि का, जमीन का, जमीन जायदाद का। जिनका मंगल का कनेक्शन 10वें घर से 10th हाउस यानी कि प्रोफेशन से होता है तो वो प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं। जैसे जो लोग रियल एस्टेट में हैं तो उनका जो है मंगल का कनेक्शन 10वें घर से होता है। खैर, यहां आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की। उसके अलावा जुपिटर जो है वो ग्रह एक्सपेंशन का, बढ़ोतरी का। तो यदि चौथे घर का मंगल का जुपिटर का आपके 11वें घर से कनेक्शन है तो आपकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी। अगर शुक्र का कनेक्शन आपके चौथे घर से बन रहा है तो आपका जो घर है वो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो प्लैनेट है ब्यूटी का। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारे पास प्रॉपर्टी है पर वो झगड़े में अटकी हुई है, या प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो क्या ये कुंडली बता सकती है? बिल्कुल बता सकती है। यदि जैसे मैंने कहा छठा घर जो है वो लोन का घर है, पर छठा घर जो है वो लड़ाई झगड़े का, लिटिगेशन का भी घर है। तो यदि चौथे घर का छठे घर से कॉम्बिनेशन बन रहा है और उसको कोई मेलिफिक प्लैनेट यानी कि कोई पाप ग्रह उससे कनेक्शन बना रहा है, तब ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो लड़ाई झगड़े में पड़ सकती है। जैसे मैंने कहा मंगल कारक है भूमि का, जमीन जायदाद का। तो अगर आपका मंगल स्ट्रांग है या आप अगर मंगल को अपना स्ट्रांग करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी का सुख जरूर मिलेगा। उसके लिए हनुमान चालीसा जरूर करें, इससे हनुमान जी खुश होंगे, मंगल ग्रह आपका और स्ट्रांग होगा। मंगल जो है वो तांबे को भी रिप्रेजेंट करता है, तो तांबे से बनी हुई चीजों का भी उपयोग करेंगे तो उससे भी जो है आपका मंगल स्ट्रांग होगा। इसके अलावा मंगलवार वाले दिन कोई ना कोई दान जरूर करें। ये सारी चीजें करने से आपका मंगल जो है और स्ट्रांग होगा और आपको प्रॉपर्टी का सुख जो है वो भी मिलेगा।